के समय में हार्मोन्स की जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है उनमें से थायराइड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से सब कुछ सही चलते चलते अचानक ही वजन या तो बढ़ने लगता है या तेजी से घटने लगता है, और साथ में कई और प्रॉब्लम्स भी जिंदगी भर के लिए पैदा हो जाती है, जैसे कि स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी सांस फूल जाती है, जल्दी थकान हो जाती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम आ जाती है, बाल बहुत झड़ते हैं, चक्कर आना, घबराहट होना, कमजोरी आना, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना पचाने से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। थायराइड पेशेंट्स में ये सारी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा देखने को मिलती है। थायराइड के हर रोगी में इनमें से कोई एक या ज्यादा लक्षण तो दिखेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे लक्षण दिखें, क्योंकि ये बीमारी की सीरियसनेस पर डिपेंड करता है कि स्टेज पर है। थायराइड को ठीक करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इन बीमारियों में ऐसा देखा जाता है कि दवाइयों से थायराइड कंट्रोल में तो बना रहता है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होता, और इसके कारण थायराइड की दवाइयां जिंदगी भर लेनी पड़ जाती है। इसलिए थायराइड की बीमारी को पूरी तरह खत्म करना हो तो दवाइयों के साथ साथ घरेलू उपचार भी जरूर करें, और आपको बहुत ज्यादा हद तक अपनी बॉडी में फर्क दिखेगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप थायराइड को हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे। उससे पहले हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रिएट हैप्पी लाइफ। यहां हम सीखते हैं कैसे आयुर्वेद की हेल्प से और अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दे, बिल्कुल फ्री है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। देखो, थायराइड की बीमारी दो तरीके की होती है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। आज मैं आपको इनमें से हाइपोथायराइड ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खा बता रही हूं, जिसमें थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करने लगती है और हमारे शरीर को कम मात्रा में हार्मोन्स देती है, जिससे अचानक वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। इस घरेलू नुस्खे को बताने के लिए आपको धनिये के बीजों का पाउडर लेना है। ये वही धनिया पाउडर है जिसे आप अपनी रसोई में मसाले के रूप में लेते हो ना, सब्जी वगैरह में डालते हो। आपको 2 ग्लास पानी में 2 चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह से तब तक उबालना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। फिर इस पानी को छाल लेना है। थायराइड के लिए ये ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी और आपको ये 1 ग्लास दिन में 1 बार किसी भी टाइम पर बनाकर पी लेना है। अगर आप इस नुस्खे को खाना खाने के पहले या बाद में लेना चाहते हो तो इस नुस्खे को लेने और खाना खाने के बीच में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस जरूर होना चाहिए। इसे लेने का एक टाइम आप खुद से डिसाइड कर ले और हर रोज उसी टाइम पर कोशिश करके लें। पता है सबका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, सबका रूटीन बहुत बिजी है, बट अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। ये थायराइड के लिए सबसे ज्यादा कारगर उपायों में से एक है। इसको आपको कम से कम 1 महीने तक रोजाना करना है और आपको खुद को ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना वर्क कर रहा है। थायराइड को वापस ठीक करने से काम करवाने के लिए इस नुस्खे के साथ साथ एक प्राणायाम भी जरूर करना चाहिए, जो थायराइड के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर उपाय है। इसे करना बहुत आसान है और इसे आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो। ये प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम कहलाता है। इसमें आपको गले को सिकोड़ते हुए सांसें लेनी होती है, जिसमें गले से आवाज निकलती है, पूरी सांस अंदर भरकर रोक ले, फिर चिन को छाती से कुछ देर लगाकर रखें, फिर गर्दन सीधी करके 1 नॉस्ट्रल को बंद करके दूसरे नॉस्ट्रल से सांस बाहर निकाल दे। इस तरह से आपको ये 11 बार करना है। इसके अलावा खाने में आपको आयोडीन वाली चीजें जैसे प्याज, लहसुन, जौ, अनानास, साबुत चावल, टमाटर आदि खाने हैं। साथ ही विटामिन ए से भरपूर वाली चीजें जैसे दालें हो गई, बीन्स हो गई, अखरोट हो गई, लौकी हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, इनको ज्यादा से ज्यादा खाने में यूज करना है। चाय, कॉफी और पैकेज फूड को बिल्कुल नो कहना है। इस नुस्खे और इस प्राणायाम को ठीक तरीके से करने से और खाने पीने में कुछ चेंजेस करके आप 1 महीने में बहुत हद तक अपने थायराइड को ठीक कर लेंगे और इसके पूरे पूरे चांसेस।
आप इसे लगातार करते रहोगे तो आपके थायराइड की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस इस नुस्खे को यूज करें और इन सावधानियों को जरूर फॉलो करें, करके देखिएगा, रिजल्ट आपको खुद मैजिकल लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लोगों के भी हेल्प होगी। और हमारे ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।